আধা সচা আধা কল্পনা এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই চক্ৰপাণী বৰা হয় আজি আধা সচা আধা কল্পনাত মই আপোনালোকক জনাম এক বিশেষ শিলৰ বিষয়ে যি শিলত জীৱ আছে যি শিলে কথা ক'ব পাৰে যি শিলত শব্দৰ সৃষ্টি পাৰে কিন্তু এই কাহিনী জনাম কিন্তু তাৰ প্ৰাসংগিকত মই এটা সপ্তাহৰ আগলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিছোঁ হয় মই আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ আগৰটো সপ্তাহ অৰ্থাৎ দেওবাৰলৈ য'ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ভালুকৰ বিষয়ে এটা বিশেষ মন্দিৰ আৰু সেই মন্দিৰটোলৈ ভালুক আহে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে পুনৰ গুচি যায় হয়তো আপোনালোকৰ সেই কাহিনী মনত আছে তথাপিও মই আজি পুনৰবাৰ সেই কাহিনীৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ বিজ্ঞানীয়ে মানি নলয় সেই দৃশ্য মন্দিৰত সদায় দেখা পোৱা যায় বন্য জীৱ জন্তু মাৰ মন্দিৰলৈ অহাটো এটা ডাঙৰ ঘটনা কেতিয়াবা এয়া সাধু কথা যেন লাগে এয়া এক আচৰিত কৰি দিব পৰা এক সত্য ঘটনা যদি এয়া সঁচা হয় তেন্তে প্ৰশ্ন হয় কিয় কেনেকৈ কিহৰ বাবে কেইটামান ভালুক আহিছে আৰু মানুহে অলপো ভয় নকৰাকৈ ভালুকক খাবলৈ দিছে আন এটা দৃশ্য ভালুক মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে যোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিচাৰি বিচাৰি বহু সময় পাৰ হৈ গৈছিল জংঘলত আন্ধাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু সেই ভালুক আমি ক'তো লগ নাপালোঁ আমি ভাগৰি পৰিলোঁ আৰু মন্দিৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ ইতিমধ্যে আৰতিৰ সময় হৈছিল তেনেতে বাহিৰত চিঞৰ বাখৰ শুনিবলৈ পালোঁ আৰু তাৰপিছত আমি বাহিৰলৈ আহি যি দেখিলোঁ আমাৰ বিশ্বাস হোৱা নাছিল এটা ভালুক মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ পথত ৰৈ আছিল আৰতি জেছে আৱাজ হুই বেছে হি ভালু আ গয়া খুদ আপ দেখে সামনে ভালু দিখাই দে ৰা হে আৰতি চল ৰহি হে আৰু আৰতি কে সাথ সাথ भालू यहाँ पर पहुंच चुका है ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये मतलब अपने आप में एक कमाल है आरती आरंभ हुआ लगे लगे भालू मंदिर प्रवेश करिले विश्वास करिबले कठिन आसिल बहुत कठिन किन्तु सत्य एइटोए जे आरतीर समयत एटा भालू मंदिर आहिछे शॉकिंग इंसिडेंट है मैं बताऊं यहाँ पर खड़े होकर मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है लेकिन ये वाकई में कितना कमाल है जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये बेहद खतरनाक एक जंगली जानवर जो इस तरह से चला जा रहा है जैसे न जाने यहाँ पर क्या हो रहा है तेनेते भालुक तो किसु दूरोइले गए बोहिल मुझे इतना डर लग रहा है इस वक्त यहाँ पर ये करना लेकिन क्या मैं इसको पिला पाऊंगा मैं ये सोच रहा हूँ ये देखिए एक कोशिश है ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है एक जंगली भालू इंसान से इस तरह से माजा पी रहा है ये शॉकिंग है अपने आप में और वाकई में मतलब इस मंदिर में ये चमत्कार है जो आपकी आंखों के सामने इस वक्त घट रहा है शायद ही कभी किसी ने इस तरह की कोई चीज देखी हो ये देखिए ये जंगली भालू है बिल्कुल जंगल में रहने वाला भालू है और इसका रवैया देखिए और ये इस मंदिर का चमत्कार है इस मंदिर की कृपा है इस मंदिर की महिमा है जैसा लोग कहते हैं कि ये आरती का घंटी बजी हम लोगों को पता भी नहीं था हमने भालू को दूर जाते हुए देखा और ये भालू यहाँ पर पहुँच गया ये वाकई में कमाल है अपने आप में भालू आंखों पिसुआ जब उठे किंतु मिंटुर माथुनी आको रोई गोल আৰু প্ৰসাদ খাবলৈ ধৰিলে এয়া চমৎকাৰ আছিল নে আন কিবা
কিন্তু যিয়ে নহওক চকুৰ সন্মুখত হৈছিল যি হৈছিল। মুখে ডর লগ রা বাকি মুখে ডর লগ রা আলু বিলকুল এসে পি রা জেসে কি বচ্চে বোটল সে পিলা দেতে হ্যাঁ এক জঙ্গলি জানবর হ্যাঁ আমিও ভালুকর পিছে পিছে যাবল চলা গেয়া লেকিন আব উসকে পিছে যা রে মন্দির কে আরতি কি আওয়াজ আপকো লাগাতার আ রহি হোগি এই ভালুক কোর পর আইছে এই বিষয়ে জানিবলে আমি ভালুকর পিছে পিছে যাত্রা করিবলে ধরিল আর আমি ইনসে 5 মিটার কি দূরি পর হু আর ইয়ে চাহে তো 2 মিনিট মে মুঝে খতম কর সকতা হ্যায় आ गया आपके सामने देख लिया आपने किस तरह से वो पेश आता है इंसानों की भीड़ में जंगल विपदर प्रति गुरुत्व दी आम गाँव किसु मानुर सहित जंगल भर गलो शॉकिंग है मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा करीब से एक जंगली जानवर को आप शायद किसी मंदिर में खिला सकते हैं मुझे नहीं लगता कि ये और कहीं पर भी सकते हैं रात को 12 बजे जंगल में आप एक जंगली जानवर को फीड कर रहे हैं इस तरह से वो मंदिर के पास होने की वजह से ही शायद ये मुमकिन हो रहा है जूस खत्म हो गया प्रसाद पूरा मिल गया और वो दूर चला गया है वो जा रहा है रात का वक्त है 12 बज चुके हैं और वो भी अब अपने घर जाना चाहता होगा कोई भी जानवर है वो भालू चुनना उसको आसान खाना मिलेगा तो जब आसान खाना मिलेगा तो हो सकता है कि इनिशियली वो ब्रीड भी ज़्यादा करे क्योंकि फूड सिक्योरिटी मिल रही है और जब ब्रीड करेगा पॉपुलेशन बड़े होंगे और पॉपुलेशन बड़े होंगे तो उसको वो खास स्थान फीड कराने में सफल नहीं होगा तब मैं এয়া আছিলে ভক্ত ৰূপত ভালুক মন্দিৰলৈ ভালুক আহে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে মাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে আৰু পুনৰ সেই বনৰ যি ভালুক পুনৰ বনলৈ ঘূৰি যায় এই কাহিনী মানুহে আজি আমাৰ এয়া হৈছে শিলত সংগীত শিলে কথা কয় শিলত সংগীতৰ সৃষ্টি শিলত জীৱ আছে নেকি এনে বহু ৰহস্যৰ কাহিনী আজি আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই প্ৰতিবেদন আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমখন প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদনখন চাওক আপোনালোকে আৰু মই উভতি আহিম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে চিন্তা কৰক এয়া সঁচা নে কল্পনা সঁচাকৈ এই শিলত জীৱ আছে নেকি শিলত কেনেধৰণে সংগীতৰ সৃষ্টি হয় কেনেধৰণে শব্দৰ সৃষ্টি হয় আগবঢ়াইছোঁ প্ৰথমখন প্ৰতিবেদন নাজানো কি চমৎকাৰ আছে দেৱীৰ এই মন্দিৰত য'ত শিলেও কথা ক'ব পাৰে মন্দিৰৰ চাৰিওফালে লাখ লাখ শিলাখণ্ড আছে মানুহৰ মতে শিল নহয় এয়া হেনো ইন্দ্ৰসেনা যি এটা সময়ত এটা আদেশত অসুৰৰ সেনা কচু কটা দিবলৈ পৌৰাণিক কাহিনীৰ মতে দেৱসেনাৰ এইসকল বীৰক এটা হাতৰ পিছত শিললৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এনে দুটা শিল আছে যি দুটা শিলত এতিয়াও চমৎকাৰ আছে যি দুটা শিলে এতিয়াও কথা ক'ব পাৰে যি শিলে গান গাব পাৰে যি শিলত সংগীত আছে गाया पत्थरों ने 1964 में ये मशहूर फिल्म वी शांताराम ने बनाई थी
फिल्म तो एक प्रेम कहानी थी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है कि जहां पत्थर बोलते हैं? हमने इंटरनेट और बाकी माध्यमों से तलाश, हमें पता चला जुन्नर में एक ऐसी जगह है जहां पर पत्थर बोलते हैं, तो उसकी तलाश निकल पड़े। কিলৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ যাত্ৰা। আমাৰ লক্ষ্য আছিল মুম্বাইৰ পৰা 250 কিলোমিটাৰ দূৰৰ আহমেদাবাদ নগৰৰ জুহু। আমি বিভিন্ন স্থানৰ ভ্ৰমণৰ কিলৰ কাহিনী আপোনালোকক জনাম। এনে কিছুমান শিল আছে যিবোৰ শিলৰ পৰা সংগীত ওলায়। পিছে আজি আমি যি শিলৰ কাহিনী আপোনালোকক জনাবলৈ গৈছোঁ, সেই শিলৰ লগত দেৱী মাৰ এক ৰহস্য জড়িত হৈ আছে। তাতোতকৈ ডাঙৰ ৰহস্য হৈছে যে সেই শিলৰ পৰা ওলোৱা ৰহস্যময় শব্দ। জুন্নৰ কা য়ে শিৱনেৰ কিলা, यहां की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म भी यही हुआ था। इस किले को खासतौर पर इसलिए चुना गया था क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत था। ये उन काले पत्थरों से बना है जिनकी हमें तलाश है। कहा यह जा रहा है कि ये पत्थर उन्हीं श्रृंखला का हिस्सा है जिनसे संगीत निकलता है। কিলত শব্দসুর আপনাদের চাই আছে আধা সচা আধা কল্পনা। আর আমি এই অনুষ্ঠানের জড়িয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের রহস্যময় কাহিনী আপনার মাজে লই আনো, যত থাকে আধ্যাত্মিকতা, যত থাকে বিশ্বাস, যত থাকে বিজ্ঞান, যত থাকে বিজ্ঞানের অঙ্ক। আর সেই অঙ্ক, সেই বিজ্ঞান আর সেই আধ্যাত্মিকতার মাজত সুমাই আমার সাংবাদিকে আপনার মাজে লই আহে কিছু সচা ছবি। আপনাদের তার পিছন বিশ্বাস করে সেয়া সচা নে কল্পনা, এনে ধরনের বিভিন্ন কাহিনী লই আছো। আর আজির কাহিনী হয়েছে কিলত শব্দ। কোৱা হয়, সাইণ্টিষ্টে কয় বা বিজ্ঞানীয়ে কয় যে এনে ধরনের শিল থাকে লাভার পৰা সৃষ্টি হওয়া শিল, আর সেই শিলৰ ভিতরটো ফোপোলা, যার ফলত তাত শব্দর সৃষ্টি হয়। গতি কেনেধরণে শিলত শব্দর সৃষ্টি হয় এই কাহিনী চার পিছত বা আমার আনখন প্রতিবেদন চার পিছত আপনার স্পষ্ট হয়ে পড়ব আর আপনাদের বিশ্বাস করব এয়া কোনো কল্পনা নহয়, এয়া সচা। গতি আগ্রহ আমার তৃতীয়খন প্রতিবেদন। ছত্রপতি শিৱাজীৰ জন্ম ইয়াতেই হৈছিল। এই শিলাখণ্ডৰ মাজত থকা অট্টালিকাৰ মাজতেই হৈছিল ছত্রপতি শিৱাজীৰ জন্ম। এই অট্টালিকা, এই শিলাখণ্ডত মাৰাঠীসকলৰ বিশেষ দুৰ্গ আছিল। মোগল সেনাই এই দুৰ্গ কেতিয়াও ভেদ কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেয়েহে এই দুৰ্গক অজেয় বুলি কোৱা হয়। আৰু এই দুৰ্গ অজেয় হোৱাৰ কাৰণ এই শিলাখণ্ড। उन्होंने क्या होता वो आप लोग सर्च करते थे कि आप लोगों को रोटेशन कैसा मिलेगा, कैसा किला यानी पहाड़ ढूंढते थे। वो पहाड़ ढूंढने से ये फिर ऐसे ऐसे पहाड़ ढूंढने से फिर सेंटर अपने को अच्छा है, प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, अपनी फौजों के लिए अच्छा है, इसलिए किला बनने वाला है। এই দুর্গ সেই চমৎকারী শিলেরে নির্মাণ করা হয়েছে বাবেই সাগে এই দুর্গ যথেষ্ট মজবুত। কিন্তু ইয়ার শব্দ কেনে ওলায় সেইটো ডাঙর আর রহস্যর কথা। শব্দ ওলাবলে সেই দূরের ভিতর ফুপুলা হব লাগিব। দেবীর সেই ধামর শিলবর শব্দ কেনে ওলায় এই কথা ডাঙর প্রশ্ন। কিন্তু এই শব্দ হাজার হাজার বছর ये जो इलाका है अम्बेहाटवीज, यहाँ पिछले दिनों से बहुत लोग आ रहे हैं और जो पत्थर है वो पत्थर का आवाज़ सुना के बजाते देखते हैं, एक करिश्मा लगता है लोगों को। यहाँ पर जो एक पत्थर है इसको बजाने पर यहाँ पर आवाज़ आती है, तो लोग इसके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये कुदरत का एक करिश्मा है या कोई साइंटिफिक चीज़ है जो ये देखने के लिए लोग बाहर से इसको बहुत बेकार है देखने के लिए और ये जानना चाहते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। জুন্নৰ মানুহৰ বাবেও এয়া এক ৰহস্য। এই ৰহস্য ফাদিল কৰাৰ বাবে আমাৰ ওপৰত এতিয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। সেই শিলাখণ্ডৰ সন্ধানত আমি যাত্ৰা কৰিলোঁ। জুন্নৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ আগবাঢ়িলে আমি দেখা পাম শিলাখণ্ড। ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে পৰি থকা শিলবোৰ দেখি আমি গম পালোঁ যে আমাৰ লক্ষ্যস্থলৰ সমাগত। জুন্নৰ से करीब 1.5 घंटे का सफर कर आखिरकार हम उस पहाड़ी पर पहुंच गए जहां हमें बताया गया कि संगीत के पत्थर यहीं तो मिलते हैं। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो हमको कई पत्थर नजर आए, लेकिन हम उसको तलाश करेंगे आखिरकार वो कौन से पत्थर। असल
संगीत में। क्यों भला केवल हिले ऐसे? या संगीत में ही पुलपुर देखने को मिल गया? तेरे आंखों से मार और पीने के लिए आमी आता हूँ तेरे पास। जितने आमी हेस स्थान पालो गए, जितने आमी आसुई ढूँढ पड़ी लो। ऐसों व्यक्तियाँ धुलौर लगात हे हिल बजाए हंगित और रेवाज करिए सिल। हे डांगोर हिल दूर पर उल्लाह हब्दा हुनी आमी आसुई ढूँढ पड़ी सिल। इन्हीं को लगी थी जब मंदिर और घंटा है बाजी सिल। आमी सिद्धिया खुदी लो तेरिया व्यक्ति को रखे कुले। जितने वो प्राय हिलोत रेवाज करे, ते और मुझे ये प्राकृतिक हब्दोई ते और आकर घंटा। जल्दी में मेरे को फर्क ही और पत्ते में फर्क तो नहीं है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि जो इसके तो तो नहीं ढूंढती है, ये जो हम बना सकते हैं इसकी भी कोई शाही जो रहती है उसको हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कुदरती जो है ना, ये जो बज रहा है, मैं खुद सोचने गिर गया इसके तो ना उसके तो ना मैच कैसे क्या। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा फिर, जो मेरा जो खुद का फील है बहुत अच्छा है। उसको प्ले भी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा खुद एक महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। এতিয়া আমি বুঝি পালো দুনিয়ার মানুষে এই শিলবোৰক কিয় সংগীত শিল বুলি কয়। কিন্তু আমাৰ জানিবলৈ ইচ্ছা আছিল কিয় কেনেকৈ এই শিলবোৰৰ পৰা সংগীতৰ শব্দ ওলায়। এনেকুৱা শিল আমি আগতেও দেখিছিলোঁ, যিবোৰ দেখিলেই ফুপুলা যেন লাগে, সেইবোৰৰ পৰা শব্দ ওলোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু ইয়াত যিবোৰ শিল আছিল সেইবোৰ যথেষ্ট গধুৰ, কিন্তু ফুপুলা নাছিল। এনেকুৱা শিলৰ পৰা শব্দ ওলোৱাটো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। देखिए, खास ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे किसी आप ये घड़े को या ड्रम को बजा रहे हैं और इसकी सब अलग अलग आवाज पत्थर पे बिल्कुल नजर आती है। जो कि एक हिलबुर भांगी आमी सब पाइलो हैं तेंते ए रहस्य आमी बुझी पाइलो हैं कि वे हिला खत पर मानुहर जी आस्था और भक्ति असल के वो देखी एने को अकुल अहम होगा सिल और तार बिशत ए रहस्य भाविल कोई बोले आमी दीदियों तो रास्ता करना आमी देवी हे धामों कोई संगीत पत्र कहते हैं देवी को मंदिर बनाने के लिए बनाए जा रहे थे, करते राजघर में देवी का मंदिर बने, लेकिन जब तक मंदिर पूरा होता पत्थर वहां नहीं पहुंच पाए। उनके साथ सैनिक पत्थर दोनों जहां थे, तब से ये पत्थर जैसे पूरी पहाड़ी के चारों तरफ नजर आते। ইয়াতো সেই চমৎকাৰী শিলৰ কাহিনীৰ বাহিৰে তেনেকুৱা তথ্য আমি লাভ কৰিলোঁ। আমি দুৰ্গা দেৱী পে হে, দুৰ্গা দেৱী বৰসুবাই মাতা আৰু যা সোণেৰে কিলে পে হে শিৱাই দেৱী, ইনকি কাহাৱত বতাই যাতি কি ইন তিনো দেৱীয়ে কি শৰীৰত লাগি থি কি আমি ইয়াতে ফৰ্ট খাড়া কৰনা হয় আৰু আমাৰ মন্দিৰ বনা। তো ইনকা কাম কৰি কৰ সুবহ তক এই কিলা পূৰা বনানা হয়। জেসি এই যে কিলা ফৰ্ট বনেগা যা আম খড়ে হে দুৰ্গা দেৱী কি পশ্চিম মে সুন্দৰ তালুক, तो इसका जो छाए हवा है उन्हें छाव है ये सूर्य किले पे गिरेगी जहाँ वर्षवय माता है, और जब पूर्व से सूरज निकलेगा वहाँ से जो छाव गिरेगी तो वर्षवय माता के सेंटर में गिरेगी, ऐसा उनका कहावत था। और बीच में दुर्गा देवी के बीच में जो दुर्गा देव था इसमें उन्होंने जो मुर्गी है वो तो मुर्गी अपना आवाज़ निकलती है और ये जगह पर स्टॉप हो जाता है। हमारी पड़ताल तब तक अधूरी है जब तक हम संगीत पत्थरों के वैज्ञानिक आधार को न जांचे कि हम पहुंचे। इस इलाके को वर्षों तक जांच के लिए पत्थरों पर बकायदा शोध भी पता करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह है इन्हीं पत्थरों से संगीत निकलता है।
আমি এই বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়খনত এনে লোকক লগ পালোঁ যি শ শ বছৰ ধৰি এই সংগীত শিলক লৈ ৰিচাৰ্চ কৰি আহিছে। ইয়াত আমি যি শুনিবলৈ পালোঁ সেই কথাই আমাক আচৰিত কৰি তুলিলে। কিন্তু সেই কথাবোৰ এনেদৰে ক'বলৈ আৰু বুজাবলৈ কঠিন আছিল। অৱশেষত আমি সেই অধ্যাপকসকলৰ সৈতে শিলাখণ্ডৰ ওচৰত উপস্থিত হ'লোঁ। लेकिन हमें जो भी चमत्कार नहीं लगा और हमने सोचा कि क्यों इसकी वैज्ञानिक पड़ताल किया जाए। उसके साथ एसआर रांगड़े साहब जो यहाँ पर 20 सालों से शोध कर रहे हैं उनको हम साथ लेकर आए और वैज्ञानिक तरीके से हमसे समझाएंगे कि आखिर पत्थरों के बनने की वजह क्या है और क्यों इनमें से सर क्या वजह है कि पत्थर बाकी पत्थरों में आवाज होती है पत्थरों में आवाज आती है। पहले हम थोड़ा बजा के देख लेते हैं और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। आवाज आ रहे हैं जो धातु की आवाज से मिलती हुई है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग आवाज मिलेंगी। देखिए यहाँ फर्क पड़ रहा है और हम बाद में हम दूसरा पत्थर अगर बजा के देखा रहे तो इसमें कोई आवाज उस तरीके से नहीं होती जो यहाँ आवाज आ रही है। तो इसका एक प्रमुख कारण है कि ये संभावना सब लोग समझते हैं कि इसमें कुछ धातु होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसे पत्थरों का अभ्यास किया गया तो जो बजने वाले पत्थर है और न बजने वाले पत्थर जिनका जो फिजिकल कंपोजिशन वो सेम पाया गया और सिर्फ इसका और ध्वनि आता है तो ध्वनि का प्रमुख कारण है कंपन। तो इसमें जैसे विविध आवाज आई हमारी विविध फ्रिक्वेंसी की आवाज आई तो वो इसके अंदर खोखलापन होने की वजह से और इसका जो खोल है तो अंदर कहीं खोखलापन है जो परफेक्ट गोल शेप में तो होगा नहीं है, वृत्त शेप में नहीं होगा होगा, लेकिन जहाँ भी पतला है वहाँ अच्छी आवाज़ आ रही है, जहाँ तो खोल मोटा है परत मोटी है वहाँ थोड़ा आवाज़ दब रहा है और ये जो है ये ठोस है इसीलिए वो कंपित नहीं हो रहा है और वो ध्वनि प्रतीत नहीं हो रहा है। এই শব্দবোৰ যিবোৰ আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা ওলোৱা শিল যি আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা ওলোৱা লাভা ঢুকালে সৃষ্টি হয়। এনেকুৱা শিল দেখাত গধুৰ আৰু ফোপোলা নহয় যেন লাগে যদিও এনে শিলৰ ভিতৰত পাতল নলী থাকে য'ত কম্পনৰ বাবে শব্দৰ সৃষ্টি হয়। मुझे ये पता चला है कि भारत में ऐसे कोई कुल चार तीन स्थान ही है जहाँ नैसर्गिक रूप से संगीत पत्थर है। एक है ये स्थान जो हमें अभी दिखा रहे हैं आपको और दूसरा एक स्थान है मुंबई के पास एक फोर्ट है खंदेरी फोर्ट, वहाँ एक ऐसा पत्थर है और एक वो पत्थर बिलासपुर के पास सरगुजा जिले में अंबिकापुर नाम के स्थान पर है। वहाँ वो उनको टीटीन बाजा करके बोलते हैं तो वो हिंदी में और वो बजा के दिखाते हैं कि जहाँ बर्तनों की आवाज़ जैसे आती है उसका आवाज़ थोड़ा इससे अलग तरह का है। देखिए तो थोड़ा कंपन हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा खड़ा है पतला है तो इसमें का आवाज़ और इसका आवाज़ जो है ये भी कंपन हो रहा है तो ये थोड़ा फर्क होता है। হ'বলৈ লাখ লাখ বছৰৰ সময় লাগে, অৰ্থাৎ যোনৰ এই শিলবিলাকৰ ইতিহাস